अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? करते हो सब लोग ठीक होंगे, जा रहे हो, खुश रहे, आबाद रहते हैं। प्यारे बहन भाई, ये वीडियो से गाना सुनने वाले छोटे से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल वीडियो को शुरू करता है तो सुबह सुबह का टाइम है और उठ चुके हैं हम भी, और ठंड जो है ना आज बहुत ज़्यादा है। और ये रोटी बना रही है और मैं जो है ना कर रही हूँ चावल गरम। कल जो है ना हमने बनाए थे चावल, तो अभी ये चाय वाला पतीला उतारते हैं और फिर जाना ये देच के रख के जाना वो इन्हें गर्म करते हैं। वो रोटी बना रही है, मैंने कहा मैं अभी चावलों का नाश्ता करके चली जाती हूँ स्कूल, और स्कूल से वापस आकर फिर जाना वो रोटी खा लूँगी। तो पहले से जो है ना इस चूल्हे को जाना हम जलाते हैं, इसको जाना रखते हैं कहीं साइड पे, इसको जाना रखने की जगह नहीं है, तो जगह तो बहुत है लेकिन कोई चीज बड़ी नहीं हुई रखने के लिए जिसके ऊपर हम इसे रखें। तभी पतीला उतार देते हैं नीचे, इसमें अभी चाय भी पड़ी हुई है, ये देखें माचिस भी नहीं है। मिल गई माचिस, अभी जलाते हैं। तो हमारा गैस जो है ना वो जल चुका है, तो अभी जो है ना इसे रखते हैं ऊपर। तेज की काली है, मेरे हाथ भी काले होते जा रहे हैं, तो पहले मैं इसे ऊपर रख लूं, बाद में जो है ना मिलते हैं। ये देखे हाय हाय, पहले हाथ सेक लूं बाद में। जी तो प्यारे मैंने भैया, चावल जो है ना वो हमारे गर्म हो चुके हैं, ये देखें। तो अभी जो है ना गैस करते हैं बंद, तो ये हो गया हमारा गैस बंद। अब जो है ना खाते हैं, जिस बहन भाई ने मेरे साथ खाने हैं वो आ सकता है। आपने खाने हैं? आपके लिए ना एक गिफ्ट है, हाथ करें। मैंने देख लिया है आपका जो गिफ्ट है। नहीं फिर हाथ करो ना बहन भाइयों को भी पता लगे। ये किस चीज की चाबी है? ये ना मेरी फान की मोटरसाइकिल की, वो उसका मोटरसाइकिल है, मुझे क्यों गिफ्ट कर रही हो, उसे गिफ्ट करो। वो मोटरसाइकिल मेरी अम्मी के नाम पे रजिस्टर्ड है। मुझे गिफ्ट कर रही है जी, खाओ भी फिर मैं चलाऊं तो सही। वो खड़ी है, वो देखे, वो मोटरसाइकिल के मास्टर खड़ी है, उससे सीख लो। ऐसे चाबी हाथ में पकड़े बैठे रहूं? हाँ। मोटरसाइकिल वहां ठहरे, मुझे क्या फायदा मिलेगा? नहीं आप ऐसे करके बैठी हो ना ऐसे पकड़ के, जो भी आएगा आपके हाथ से चाबी खींच के ना फिर इधर ही टांग देगा। रखना दो इसे फिर, कोई फायदा नहीं है पकड़ने का। मैंने तेज की कड़ा कल मेरा काम चेक करें, वो उधर रखा है और इसे जो है ना वो खाली रखी हुई है। तो अभी पहले इसे ढक्कन देते हैं, बाद में जो है ना वो बातचीत करते हैं, क्योंकि पहले जो है ना कोई चीज़ इसके अंदर चली ना जाए। तो पहले ढक्कन, बाद में जो है ना वो दूसरा काम। अभी जो है ना अभी भाभी धुंध आ रही है, अभी अभी कोई टाइम है धुंध के आने का? उनको कोई टाइम नहीं है। और ये देखे हल्की हल्की सी जो ना अभी हल्की हल्की सी आ रही है, और परिंदे जो ना वो उधर चढ़ के बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जल्दी से खाना बने और हम रश लगाए और खाने आ जाए। हाँ ये तो सही, वो देखे वो गुलाल खड़ी हुई है, वो मारो। जब खाना बना के रखते हैं तो आ जाते हैं सारे। वो उधर से वो फ्राई वो क्या होता है वो हार्ट पार्ट से उठा कर ले जाते, तीन चार इकट्ठे होकर उसे उठा रहे होते हैं, इतने ढक्कन उठा के नीचे फेंक देते फिर रोटी उठा लेते हैं। हाँ जी, चीजें उठानी चाहिए, किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ जी, तो आज पता है मेरे किस चीज का पेपर है? साइंस। सही है आप प्यारी हो, हमने साइंस पढ़ी उर्दू में है, हमें कह रही है कि इंग्लिश में सवाल जवाब देने हैं। मुझे ना आपके सवाल समझ नहीं आते, मैं भारतीय उर्दू में है तो इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं?
नहीं लिखना है हमने उर्दू में है। एक मिनट, सवाल जो है ना वो वो इंग्लिश में है लेकिन हमने जो है ना वो उर्दू में पढ़े ना, तो उनके जो है ना वो उनका समझाना पड़ेगा और उसके आंसर जो है ना वो उर्दू में देने पड़ेंगे। नीचे इंग्लिश लिखी होगी तो उर्दू के सवाल भी ऊपर लिखे होंगे, ऐसे तो नहीं सिर्फ इंग्लिश हमारा पढ़ती स्कूल है इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम। जो उर्दू मीडियम पढ़ाते हैं ना वाला, वो ऊपर उर्दू के सवाल भी दे देते हैं, क्या कैसे पता, रहेंगे। अब हमें तो नहीं पता, बस टीचर ने थोड़ा सा गैस दिया था कि इस चैप्टर में से जाना वो क्वेश्चंस आने हैं तो ये याद कर लेना, हमने तो वो चैप्टर याद कर लिया है। माचिस काट लेना आज खत्म ये करते देखे मुझे कांटा चुप गया और ये कह रही है कि माचिस उठा के दे, ये लो। आज जब खत्म हो जाती है ना मुश्किल से चलती है फिर। हाँ जी, और आज जो है ना मैं स्कूल पता है क्या लेकर जाऊंगी, चावल। मुझे पता है कल मैं सोच रही थी कि आज घर जाके क्या बने होंगे, मैंने चावल वाले साइड पे ध्यान ही नहीं दिया। घर आई तो भाभी ने बोला चावल बने हुए हैं, प्याज काटने हैं तो काट के खा लो। जी, सरप्राइज था आपके लिए, आपको बताया भी नहीं हमने क्या घर में चावल बनाने हैं। तुम जब स्कूल से आई तो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। आप तो अकेली चली गई थी भाई असलम वालों के घर। हाँ जी, वैसे बैठे बैठे ख्याल आ गया जो आज जाते हैं भाई के घर। तुम्हारा भाई कल नहीं गया था ना काम, अभी वो ना करने नहीं मिले थे तो फ्रूट भी नहीं थे, पैसे तो नहीं थे बोला। फिर उसने कहा चलते हैं नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं फिर उनसे बातचीत भी कर लूंगी। और आज जो है ना भाई असलम का आने का प्रोग्राम था, आ जाते हैं तो वीडियो में देख लेना, अगर नहीं आते तो फिर अल्लाह की मर्जी। जब हम पहुंचे तो वहां वो कह रहे थे कि हम आपके घर आने का इरादा कर रहे थे, चलो तुम आ गए तो अब नहीं जाएंगे। अब कल को फिर आ जाएंगे। हाँ मतलब फिर आज का भी कह रहे थे शायद आ जाए, अब उनका उनको पता। हाँ जी, और ठंड बहुत ज्यादा है, मैं जाना वो कांप रही हूँ। मुझे तो आज नहीं लग रही, ये इतनी मोटी जर्सी पहनी हुई है, जर्सी पहनी हुई है इसलिए नहीं लग रही है। रोजाना मैं भी कहती थी कि मुझे भी सर्दी लग रही है, थोड़ी सी आज लग रही माशाल्लाह भाभी ने हिम्मत की है, माशाल्लाह बहुत सारी रोटियां बना ली हैं। है। अब मैं जल्दी बनाना शुरू कर देती हूँ ना, पहले तो देर से बनाती थी, अब जल्दी। अब वो ड्यूटी पे जाता है ना तो इसलिए जल्दी करती हूँ। अब ड्यूटी पे जाते हैं तो इसलिए वक्ती शुरू कर देती हूँ। हाँ जी, हल्की हल्की भाभी ज्यादा हो रही है ये, वो देखें पहले कैसे थी और अब कैसे हो गई है, ये पता नहीं आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है। मैं तो के सोचती हूँ दिन भर कि वो कौन सी घड़ी होगी जब हम मदीने में होंगे। हाँ जी, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो टाइम नहीं लगेगा, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। खाला और खालू को अल्लाह ने बुलाया, वो उम्रा करके वापस भी आ गए, तब जो है ना ये क्या वॉइस है वीडियो में नहीं आती थी तो कमरे में छुपा के बिठा देते थे इसे। सब वीडियो वाले होते थे तो मैं ना कमरे में अकेले छुप के बैठ जाती थी, अब मुझे भी अकेली वीडियो नहीं, नहीं। वो भाई मोहियुद्दीन की बेगम भी, हाँ दो बैठे हुए थे। तीन, एक हाँ वो भाई अकरम की बेटी मुस्फिरा, ये तीन जो है ना ये तीन जोड़ी बनकर बैठ जाती थी। अब वो दो बैठेंगी और ये मेरे साथ वीडियो बनाएगी। जी अम्मी, क्या चाय मांग रही है, कहती है कि मुझे चाय दो। चाय देते हैं अम्मी को और बाद में जो है ना फिर देखते हैं आगे का काम। गिरने लगी थी मैं, पहले रखी हुई है, पहले से जो है ना वो धो लेते हैं इसको जो है ना, ये देखें पानी डाल लिया है। ये ढक्कन किसने बंद किया था,
इतना कस के। तो पहले इसे खोलो, बाद में जाना, फिर मिलते हैं। तो चाय डाल ली है मैंने, अभी चलते हैं, देते हैं अम्मी को। इधर जाना वो है अम्मी, पहले से ही उठ के बैठी हुई है। सर्दी ना सुमहान लेंदी है ते ना बहान लेंदी है। अभी अम्मी धुंध आ रही है, चादर डिठी है दुपट्टे तो ही बहु भरी के सर्दी लगती है। हां जी अभी धुंध आ रही है। हां होण वाली थी ये काली, अब ज्यादा हो गई है। नाश्ता कर गई थी? नहीं, सुफियान को उठा, इसको कौन उठाना चाहेगा। बूटी प्याली पाई बूटी, ये मैंने देखे नहीं, गुनाह थी दे। ठीक है नाश्ता कर, तैयारी कर सकूं दे उठा। इसको आप उठाएं, इसका जिम्मेदारी मैं नहीं ले रही, मैं भाग रही हूँ यहाँ से। सफियान का जो है ना वो मैं नहीं उठाती, क्योंकि ये जो है ना इसको जो भी उठाए ना अम्मी कैसे हुआ, ये उसके पीछे ही पड़ जाता है। फिर से दोबारा से इसके पास आ चुकी हूँ मैं, मेरी जिम्मेदारी होती है 14-15 मिनट की वीडियो बना के जाना, वो मैं आप मुकम्मल करूँगी, तो फिर बाद में जो है ना मैं अपने स्कूल की तैयारी करूँगी। फिर तुम सकूल चली जाती हो, फिर मैं जो बच्ची मुझे बना देती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे हैं, हंसते मुस्कुराते रहे हैं। तो मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में भी सब ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो सुबह सुबह का टाइम है और सर्दी भी बहुत है और मैंने नाश्ता बना लिया है, तो अब जो है ना धोने लगी हूँ बर्तन, क्योंकि कुछ ने नाश्ता कर लिया है, अभी कुछ रहते हैं नाश्ता करने के, तो जो बर्तन पड़े हुए थे वो मैं धो रही हूँ। ये देखिए जब बाकी नाश्ता करेंगे तो बाकी जो बर्तन होंगे तो बाद में धो लूंगी, पहले जो बने हुए थे तो मैंने कहा पहले उसे धो देती हूँ। ऐसा जो है ना स्कूल की तैयारी करके स्कूल जा रही है, तो भाभी ने जो है ना यहाँ पे सफाई कर रही है। जब मैं बर्तन धो लेती हूँ तो जो काम होगा तो बहन भाइयों के साथ शेयर। बेटा प्यारे बहन भैया, हम स्कूल से जो है ना वो वापस आ चुके हैं, तो अभी जो है ना हम निकालने लगे हैं अपने सर्दियों के कपड़े, और वो जो है ना हमारे बड़े जो है ना वो बक्से में पड़ा हुआ है, तो वो जो है ना भाभी उसका सामान हटा रही है, और मैंने भी सोचा कि मैं भी मदद कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि हमारे बक्से में जो है ना वो क्या कुछ है। ऐसी बात है ना, तो सबसे पहले ये हो गई भाभी मतलब के बड़ी भाभी की, और ये हो गई मम्मा की, और वो छोटे वो इंडेंट वाला वो हो गया छोटी भाभी का। तो पहले इन्हें उतारते हैं और बाद में जाना वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो सामान जाना वो हमने उतार लिया है, तो अभी रह गया ये कपड़ा उतारना। ये देखें भाई की है। हाँ जी भाई के निकाली नहीं, वो आप भी निकाल रहे, मैं भी भूल जाती। ये अबू की है। हाँ जी, ये भी अबू की है। बाकी तुम्हारी पता नहीं कहाँ है, मेरी भी निकालो। ये भाई नुमान का तकिया, वो ये मम्मा बना रही थी ना, तो अम्मी को कहता ये अगर किसी ने इस्तेमाल किया ना तो उसका मैंने कत्ल कर देना है। आपके भतीजे के सामान रखे हुए हैं इनमें, देखती शायद इनमें हो। एक मिनट मैं भी ऊपर आ जाती हूँ। हाँ जी, ये ना किस तरह है आपके भतीजे का। हाँ जी, ये उसकी जगह बनाने वाले हैं, यहाँ पर नहीं है शाह। देखो आपके लुकार मिले, मेरी लुकार शायद नहीं है इसमें। नहीं इसमें नहीं है, कोई और चीज देखो शायद पड़ी हुई है उसमें, या अल्लाह मिल जाए। इसको बांध के रखो, नीचे जो बिस्तर रखे हैं ना उनके नीचे है तो पता नहीं। तो कोई नहीं, अभी निकाल लेते हैं। ये मच्छर उड़ रहे हैं,
और मच्छर नहीं उड़ रहे। ये मेरे कपड़ों की ये शीशे, ये देखो। मैं समझी कि मच्छर उड़ रहे हैं। सर्दी सुबह सुबह ना बहुत होती है तो। हाँ देखो, अब मैंने छुपा लिया ना, अब नहीं है। अब इधर करूंगी तो फिर आ जाएंगे, तो अभी जो ना मैंने छुपा ही लेती हूँ। सारा निकालना पड़ेगा क्या? हाँ जी, ये वो क्या पड़ा हुआ है, वो ब्लैक वाला वो तो कोट है जो अबू ले आए थे भाई नहीं, नवीन। वो उधर वो कलेजी वाली, कलेजी वाली निकालो। वो जर्सी नहीं है, वो कपड़े हैं पुराने। मैंने कहा शायद जर्सी है। ये जो अबू तुम्हारे लिए लेकर आए थे। हाँ ये मुझे छोटी थी, जी, नहीं ये बड़ी थी, ये मैं डालती ये नहीं, जो सलवार थी। ये मम्मा की थी, हाँ जी, मेरा हम ब्लैक था। हाँ जी अबू लेकर आए थे ना और तो वो जाना अबू को उधर रखे तो। हुए हैं, कुछ हमारे सामान है, डिनर सेट ये वगैरह वगैरह। हाँ जी, शायद ये है ना आपकी जर्सी, ये सुफियान की है। ये सुफियान की है। ये तो फटी हुई है सारी, हाँ जी, पता नहीं पहनता है या नहीं नहीं। पहनेगा फटी हुई स्कूल कैसे पहन के जाएगा? वो। उसे पहले उठा लो, निकाल लो ये वाला, ये टूट ना जाए कहीं। इसको साइड पे रख दो, टूट गया ना तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। भाभी का गिफ्ट है, भाभी ने फिर रोने लग जाना है। आराम से, ये ढक्कन ना गिर जाए तुम्हारे ऊपर। पकड़ के रखना ना, मैं इधर खड़ी हुई, मैं कैसे पकड़ूं? चलो यहाँ कोई पर नहीं, नहीं है शा। तो इस साइड से। मेरी दुकान भी इसमें रखी थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। वो नीचे ना गिर गई हो। नीचे तो नहीं है। ध्यान से देख लो, फिर दोबारा नहीं खोलनी है, इतनी बड़ी है, खोलने में भी अजाब बन जाता हाँ है। जी, सारा सामान इकट्ठा ऊपर ऊपर होता है, वो सारा निकालना पड़ता है तो मुश्किल हाँ बन जी, जाती है। सारे बिस्तरे भी सीधे हैं। ये कंप्यूटर पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये मैंने भी रखे थे, चलाते नहीं है तो मैंने कहा कि ऐसे खड़े ऐसे रहेंगे। इस्तेमाल नहीं होते तो खराब हो जाएंगे, फिर हमने रख दिए। ये भाई की मशीन की है, हाँ जी, मैं अपनी मशीन पे लगवा देती हूँ, क्योंकि मेरी मशीन की ना खड़ पे उड़ खत्म गए हैं। खत्म हो गई है। मेरी मशीन उठाई भी नहीं जाती क्योंकि नीचे तल नहीं है ना उसका। वो टूट गया है। मेरी जर्सी मिल जाए, मैं तो ठंड से कहाँ पर रही हूँ। अल्लाह करे मिल जाए, दुआ करो मिल दुआ तो कर जाए। रही हूँ। वो कुछ नजर आ रहा है, पता नहीं है इस क्या। कलर की है, जिस तरह की ये नहीं है, ये आपने पकड़ा हुआ है, ये गद्दा इस कलर की है। रजाई है ये। नहीं, उसके नीचे भी कुछ है, हाँ जी, वो कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं वो क्या। मेरे ख्याल में वो आपकी लुकार की तरह है। नई जुराबे हैं किसी की, जुराबे नहीं है हाथ भी नहीं पहुंच रहा वहां। ये, सारा आपका सामान बिखरा। देखें, जुराब है किसी की, नहीं है शायद इसमें तो। अभी क्या करें, गद्दे के नीचे भी नहीं है, अब अब क्या करेंगे। इधर वाले साइड पे सुबह देखा था, हाँ उधर भाभी ने सुबह देखा था, अब मुझे क्या पता, मुझे मुझे मेरी जर्सी चाहिए। मेरी लुकार भी तो थी, उसमें जल गई थी जो आधी। ये आपको पता है ना, वो तो तुमने जान के जलाई थी। जान के नहीं, मुझे पता ही नहीं था पीछे आग जल रही है, मैं ऊपर बैठ गई थी। इसने जलाई तो है, वो आपकी शाल। नहीं, वो जो ना बरामदे में देते थे ना। हाँ, वो गत्ता पड़ा हुआ। नहीं है शायद इसमें, हाँ अब रखूं या जी, सामान रख दो अब। नहीं मिल रही। इधर नहीं है तो फिर किधर होगी मेरी जर्सी, वो कहीं भाभी की अलमारी में ना हो, शायद होगी उसमें तो। या अब प्यारे फैन भाई ये हॉक रही है। हाँ जी, थक गई हो इतनी ऊंची। ओ गिरने वाला है नहीं गिराना ये। कहाँ, अभी होंक रही हूँ फिर ना।
नीचे गिर जाओगे इधर। ये भाई नुमान के जहेज के लेना रसाई एक ही बनी है अभी तक। ये इसको इधर करके रखो थोड़ा सा, उधर सारा उधर ही सारा जाली जा रही हो। वो तकिया उठाना, इधर दिखाएं प्यारे बहन भाइयों को, वो जो अम्मी ने बनाया है वो वाला, ये इधर वाला, इधर वाला। यस, ये ना सही से दिखाओ इधर करके। माशाल्लाह कितना प्यारा है, भाई नुमान ने ये पसंद करके ये बनवाया है। अल्लाह पाक से नसीब करे। हाँ जी, अभी इसका बना रही है, ये नीचे वाला बना हुआ है, ऊपर ना जो होता है उसको बना रही है। हाँ जी, बस इतनी है। हाँ जी इतना ही है। वो कोटे वगैरह वो तो पहन रखने हैं ना, क्योंकि पहनेंगे अबू 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 का ये रख दो, अजान हो रही है, अजान के बाद मिलते हैं। तो प्यारा हन भैया फाइनली भाभी की जाना वो शाल मिल चुकी है, और मेरे जाना जर से नहीं मिली। ये संदूक अभी देख ली, और वो पेटी भी देख ली। पेटी तो खोलने का कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि भाभी के चादर जाना वो निकले है संदूक से, इन्होंने अच्छे तरीके से देखा नहीं है। फिर कहने लगी कि हमारी जो है ना वो चीजें पेटी में है, तो मैंने सोचा कि ये जब अच्छे तरीके से देख ही नहीं रही तो मैं भी हेल्प करवा दूं। मैंने पहले सबसे पहले जो है ना वो छोटी भाभी के संदूक खोली, तो ऊपर ऊपर शापर रखा हुआ था, शापर में जो है ना वो कुछ कपड़े थे, और जो है ना भाभी की लुकार भी रखी हुई थी। तो वो एक चीज रह गई भाभी, ये डब्बा ना इसमें था, वापी के संदूक में था। तो अभी जाना अभी तक मेरी लुकार का कोई आता और मेरी जाना जर्सी का कोई आता पता नहीं है। वो मिलेगी तो फिर जाना मैं शुक्र अदा करूंगी, क्योंकि अभी जाना मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो इसी के साथ हमारा लग जाना वो भी पूरा हो चुका है। हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।